Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। चलो प्राची यहाँ से। मन्नू दीदी, क्या हुआ? तुम तो अपनी मन की करती हो। मलिका यालिया, अभी तो शुरुआत है, आपने इतनी जल्दी हार मान ली? महारानी साहब, झांसी की प्रजा आपको देखने के लिए बेचैन है। एक लड़की तो कई दिनों से भूखी प्यासी आपकी राह देख रही है। सुंदर, मलिका यालिया नहीं जा सकती, इन्हें मना कर दिया गया। क्षमा कीजिएगा महारानी साहब, इस समय आपका महल से बाहर जाना उचित नहीं। मनु, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो बेटा? ताते गुरु, देखिए तो सब लोग कितना। नहीं मनु, यह उचित नहीं है। हक यही है, हक है, हक है, हक। मैं कोई महारानी महारानी नहीं हूँ। हे रेवा, महारानी नहीं तो क्या हो? महारानी इस तरह बंदी बनकर नहीं जी सकती। इतने सुंदर भवन में रहकर कहती हूँ बंदी हूँ? प्राची, ये सुंदर भवन नहीं, सुंदर बंदी गृह है। इतना क्रोध क्यों बेटे? क्या करूं बाबा, झांसी नरेश को हमारी कोई चिंता नहीं है। ना वो ये जानना चाहते कि हमारी हत्या का षड्यंत्र किसने रचा था। अब तो हमें अपनी प्रजा से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। देखो बेटे, यह तुम्हारे पिता का घर तो नहीं है, ससुराल है। यहाँ की कुछ मान मर्यादा है, रीति रिवाज, नियम है। तुम्हें अपने आप को उसी में ढालना है, तभी सुखी रहोगी। और ध्यान रहे, तुम्हारा पति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हम यहां से अवश्य बाहर जाएंगे। बेशक। इसे कहते हैं मलिका का फैसला। महाराज गंगाधर राव ने अपने कायदे कानून बनाए, आप अपने बनाए। वो नृत्य, नाट्य और रक्कासी में मसरूफ रहते हैं। आप अपनी रियाया को देखिए। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकती हैं कि महाराज हर समय नृत्य नाट्य में व्यस्त रहते हैं? हम क्या, सारी झांसी जानती है। अगर आपको यकीन ना हो तो खुद देख लीजिए। ये मुंदर है, ये महल के कोने कोने से लेकर पूरी झांसी से वाकिफ है। रुको। अते गुरु, सुरक्षा व्यवस्था का पूरा निरीक्षण हो गया है। हमारे सैनिक हर जगह पर नियुक्त कर दिए गए। बहुत अच्छा श्रीमंत, इस प्रकार आंखें खुली रखकर हम यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न कर सकेंगे। कैसे भी साबित करना है कि उसका हमसे बड़ा शुभचिंतक या हितैषी और कोई नहीं है, अन्यथा विवाह में सम्मिलित होना तो दूर, महल में रहना दुश्वार हो जाएगा। यदि यह प्रथा है तो आप लोगों को यह प्रथा पूर्ण करनी चाहिए।
हाँ महाराज, परंतु आप लोग अवश्य नरसिंह राव जी। जी महाराज, हमारे सुरक्षा दस्ते को ये इस विषय में सूचित कर दें। जो आगे महाराज। रघुनाथ सिंह जी। महाराज, इन पर कड़ी नजर रखी जाए। जी। अरे तुम लोग हटो रास्ते से, महल से शाही अतिथि आ रहे हैं। जाओ जाकर वधू पक्ष से कह दो कि झांसी महल से महाराज गंगाधर राव के तीनों भाभियां आई हैं, महारानी से मिलने। जाओ। तुम लोग यहां क्यों खड़े हो? जाओ यहां से। आइए। देखो एक बात का ध्यान रखना, केवल महारानी मणिकर्णिका का कक्ष नहीं बल्कि पूरे बाड़े की सुरक्षा व्यवस्था पर दृष्टि बनाए रखना। ऐसा ही होगा तात्या गुरु। तात्या? सुरक्षा व्यवस्था? काका, यहां झांसी में हमारी मनु के विरुद्ध षड्यंत्र शुरू हो चुके हैं। कृपया यहां आने का प्रयोजन बताइए। मोरोपन जी, स्वागत नहीं करेंगे हमारा? अवश्य। महारानी जी, तुम यहां हमें महारानी कहकर संबोधित मत करो। वो देखिए, चलो चलो, एक दर्जन दे दो और ये भी।
Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।